क्या तुम्हारा गला खराब है? उसका गला खराब है। इतनी कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, नहीं तो तुम्हारे गले में खराश हो जाएगी। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं गला खराब होना, या फिर गले में खराश होना, या फिर गला पका हुआ होना। इन तीनों के लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं सोर थ्रोट, सोर थ्रोट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज, हैव, हैड, या फिर विल हैव, या फिर हैविंग। इसके बाद आपको यूज कर देनी है अ सोर थ्रोट, इसके बाद अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज बता दूं, प्रेजेंट के लिए आप यूज करेंगे हैज या फिर हैव। हैज आप यूज करेंगे ही, सी, नेम के पास, और हैव आप यूज करेंगे आई, वी, यू, दे के पास। पास्ट टाइम के लिए आप यूज करेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब की, और वो भी सारे के सारे सब्जेक्ट के पास। फ्यूचर के लिए आप सारे सब्जेक्ट के पास विल हैव का यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तब आपको यूज कर देनी हैविंग वर्ब की। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेसिक क्लियर हो जाए। इतनी कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, नहीं तो तुम्हारे गले में खराश हो जाएगी। डोंट ड्रिंक सो मच कोल्ड ड्रिंक, अदरवाइज यू विल हैव अ सोर थ्रोट। डोंट ड्रिंक सो मच कोल्ड ड्रिंक, अदरवाइज यू विल हैव अ सोर थ्रोट। क्या उसके गले में खराश हो रही थी? Was she having a sore throat? Was she having a sore throat? आज मेरा गला खराब है, या फिर हम इस प्रकार भी कहते हैं, आज मेरे गले में खराश है, या फिर आज मेरा गला पका हुआ है। सो हम इंग्लिश में कहेंगे I have a sore throat today. I have a sore throat today. उसका गला खराब है। He has a sore throat. He has a sore throat. मम्मी, मुझे बुखार है और मेरा गला खराब है। मम्मी, आई हैव अ फीवर एंड अ सोर थ्रोट। मम्मी, आई हैव अ फीवर एंड अ सोर थ्रोट। क्या तुम्हारा गला खराब है? डू यू हैव अ सोर थ्रोट? डू यू हैव अ सोर थ्रोट? मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती क्योंकि मेरे गले में खराश हो रही है। आई कांट ईट आइसक्रीम बिकॉज आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट। I can't eat ice cream because I am having a sore throat. उस गायक का गला पका हुआ था, इसलिए कंसर्ट कैंसिल हो गया। That singer had a sore throat. That's why the concert was cancelled. That singer had a sore throat. That's why the concert was cancelled.